हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक फुल वेब स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। तो आपको वेब डेवलपर बनने के लिए सबसे पहला लैंग्वेज आपको आना चाहिए वो है HTML। ठीक है गाइस, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पर आपको HTML आना ही चाहिए। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको HTML आना ही चाहिए, बिना HTML के होगा ही नहीं आपको। ठीक है, HTML पहला लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज CSS, तीसरा लैंग्वेज है JavaScript, चौथा लैंग्वेज है PHP। PHP आपको क्यों आना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर कोई फॉर्म सबमिट करता है उसका डेटा स्टोर करने के लिए आपको PHP लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो जब बटन पर क्लिक करता है सबमिट पे, तो वहाँ से वो डेटा लेके कौन से डेटाबेस में सेव करेगा उसके लिए आपको PHP आना चाहिए और DBMS आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस को आपका नॉलेज होना चाहिए। डेटाबेस में आप कुछ भी ले सकते हो, MySQL है, MySQL से कर सकते हो, XAMPP है उससे भी आप कर सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो। आपको बस स्ट्रिंग का वैल्यू, कैर, ये सबको नॉलेज होना चाहिए आपको। जावास्क्रिप्ट का नॉलेज फुल्ली होना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से आपको। ठीक है, उसके बाद CSS का नॉलेज होना चाहिए और HTML का नॉलेज होना चाहिए। तो गाइस यही है लैंग्वेजेस, इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है सबसे पहली बात। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हाँ, आप पाइथन से भी वेब डेवलप कर सकते हो, पर वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर ये HTML, CSS, JavaScript, PHP ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको वेब डेवलपर बनने के लिए ये पांच चीजें आने चाहिए, HTML, CSS, JavaScript, PHP और डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस थोड़ा सा नॉलेज होने से हो जाएगा, बस आपको एक टेबल बनाना है डेटाबेस में, ताकि वो वैल्यू, जो फॉर्म में वैल्यू कोई भी इनपुट डाले तो वो स्टोर है हो जाए। ठीक है, बस इतना ही है। आप ये लैंग्वेजेस पांच सीख लीजिए तो आप एक वेब डेवलपर बन जाओगे, और इसकी मदद से आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, जैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, किसी के लिए वेबसाइट बना सकते हो, किसी को फूड ऑर्डरिंग का वेबसाइट हुआ, ये सब सारे काम आप बना सकते हो और खुद से अर्न भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।